वन पीस मांगा के जो लीकर्स है ट्विटर पे, वो बहुत ही डिसिप्लिन से अपना काम कर रहे हैं इतने सालों से, जो कि ऑफकोर्स इलीगल है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो इतने सालों से किसी भी लीकर्स ने नहीं की थी। वो बोल रहे हैं कि वन पीस का अगला चैप्टर मत पढ़ो, डू नॉट रीड द स्पॉयलर्स ऑफ वन पीस चैप्टर 1109, क्योंकि आपका पूरा मजा खराब हो जाएगा। क्यों, उसके रीजंस क्या है और ऐसा क्या होने वाला है अगले चैप्टर में जो कि वो बोल रहे हैं अगला चैप्टर पढ़ो ही मत। सबसे पहला रीजन जो एक लीकर ने बताया वो है कि अगले चैप्टर के ट्रांसलेशंस में एक गड़बड़ आने वाली है जो कि आपके पूरे चैप्टर का मजा खराब कर सकती है। सो दे आर टेलिंग अस टू अवॉइड रीडिंग स्पॉयलर्स और रॉ स्कैन्स बिफोर द ऑफिशियल रिलीज। अभी इतना चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो जाके फिर भी वन पीस के स्पॉयलर्स पढ़ेंगे और उस पे वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे। कौन है ये, कहां से आते हैं? आई एम नॉट गोना डू दैट, क्योंकि चैप्टर्स का मजा तभी आता है जब ट्रांसलेशन सही हो और हम तक मैसेज सही से पहुंचे। और अभी आपको तो पता ही है कि जो एगहेड आइलैंड आर्क है वो ऑलमोस्ट एंड होने ही वाला है, शायद ही अगले 3-4 चैप्टर में एंड हो ही जाएगा। और जिस तरह से लास्ट वाला चैप्टर एंड हुआ, यानी कि एक तरफ हमने देखा कि लूफी सैटन और किजारू को एक एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वेगापंक मौत के दरवाजे पे खड़ा है, और उसी के साथ लास्ट में हमें दिखा कि वेगापंक का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज एक टेलीविजन स्क्रीन पे आता है जो कि बोलता है आई एम गोना रिवील द ट्रूथ अबाउट दिस वर्ल्ड। अभी ये ट्रूथ क्या होने वाला है ये तो डेफिनेटली अगले चैप्टर में रिलीज हो जाएगा, उसका मीनिंग या फिर उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमें पता लग ही जाएगी। अगर आगे जाके ऐसा पता लगा कि रॉ स्कैन्स असली ट्रांसलेशन में रिलीज हो चुके हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ऐसी क्या चीज होने वाली है, ऐसा क्या ट्रूथ वेगापंक रिवील करने वाला है इस दुनिया के बारे में, वो हमें अगले ही चैप्टर में पता चल जाएगा। लेकिन मेरी थियरी ऐसी है कि वो शायद ही गोरोसेई के बारे में कुछ बता दे, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में कुछ बता दे, या फिर एट द एंड वो शायद ही एंशियंट किंगडम के बारे में कुछ बता दे, क्योंकि उसका तो वन पीस से कुछ रिलेशन नहीं है, वन पीस ट्रेजर से कुछ तो रिलेशन नहीं है। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट, सो इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी समथिंग रिलेटेड टू वन पीस ट्रेजर। ये कुछ ऐसी बात होने वाली है जो कि हमें बहुत सालों से खटक रही थी, कुछ ऐसी बात होने वाली है कि ओडा ने उसकी मिस्ट्री स्टार्टिंग से ही क्रिएट कर दी थी और फैंस के दिमाग में डाल दी थी। सो वेगापंक्स प्री रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द नेक्स्ट चैप्टर, और पता भी चल जाएगा अगले चैप्टर में कि वेगापंक एक्चुअली जिंदा बच पाएगा या नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक लीकर ने तो ट्विटर पे ये एग्जैक्ट मैसेज डाला, माय एडवाइस इज नॉट टू रीड द स्पॉयलर्स इफ यू वांट टू एंजॉय एंड बी शॉक्ड, द स्टोरी इज अबाउट टू एंड। अभी यानी कि इसका मतलब हो सकता है एगहेड आइलैंड अभी कुछ आने वाले 2-3 चैप्टर में शायद एंड भी हो जाए, और इसका एंड मुझे पर्सनली लगता है कि दूसरे जो आर्क्स हुए थे उनके जैसा नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू बी रियली डार्क, क्योंकि बाकी के जो आर्क्स चले थे वो बहुत लंबे चले थे एज कम्पेयर टू एगहेड आइलैंड, और अभी जो सिचुएशन चालू है अपने एगहेड आइलैंड पर उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये आर्क खत्म होने पर कुछ आफ्टर पार्टी होगी जैसे कि बाकी के आर्क खत्म होने पर होती थी। सो दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली रियली डार्क, और आपको तो पता ही है इसके आगे वाला कौन सा आर्क होने वाला है, एल्बा आर्क, जो कि वन पीस मिलने से पहले वाला आर्क है, जो कि लास्ट वाला आर्क होगा। वी आर इन द फाइनल सागा ऑफ वन पीस गाइस, वी आर फाइनली कमिंग टू एन एंड, आफ्टर वॉचिंग एंड रीडिंग वन पीस फॉर सो मेनी ईयर्स हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड या मुझे यही बात बतानी थी आपको कि वन पीस के जो लीकर्स है ट्विटर पे उन्होंने 1109 चैप्टर के बारे में क्या बोला है ट्विटर पे। सो आई हैव टोल्ड यू गाइज एवरीथिंग आई नो, एंड रेस्ट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके थॉट्स क्या है अगले चैप्टर के बारे में, और वन पीस के लीकर्स ने ऐसा क्यों बोला होगा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, और थियरीज डिस्कस कर सकते हैं हम कमेंट सेक्शन में। और बस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब चीज़ें जो आपको पता ही है। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।